हेलो एवरीवन वेलकम टू टूर फेयर्स इस वीडियो में बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियाँ जो तीन मंथ्स के हैं जुलाई अगस्त सितंबर में जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसके बारे में ये वीडियो है इससे पहले के जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए थे हर मंथ के उसके वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखें तो उस वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप बाकी के करंट अफेयर्स के वीडियोज़ ज़रूर देखें जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनके बारे में बताया जाएगा इस वीडियो में वीडियो बाई में होगा हिंदी इंग्लिश दोनों तो जो रिसेंट हाल फिलहाल में जो नियुक्तियाँ हुई हैं जुलाई अगस्त सितंबर में उसके बारे में ये वीडियो है और आप प्रेश के वीडियोज़ भी ज़रूर देखें करंट अफेयर्स से रिलेटेड तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया हु अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट तो वो बने नितिन गडकरी तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट और ये जो है इको फ्रेंडली कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है जो कि काव डंग से बनाया गया उसके ब्रांड एम्बेसडर है नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन उसके द्वारा ये निर्माण किया गया हु बिकेम द एक्टिंग सी ऑफ आई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आई के अस्थाई सी ई ओ कौन बने जिफ एल आर तो मनु सोनी अपने पद से हट हट गए तो उनके बदले ये टेम्प्ररी एक्टिंग सी बने हैं अस्थाई सी ई जिफ एल आर और जबकि आई के हेड चेयरमैन कौन है ग्रेग बार्कले ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन है जो कि न्यूजीलैंड के हैं वो आई के चेयरमैन है आई का हेड क्वार्टर है दुबई में हु वॉज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन तो हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के एमडी कौन हुए हैं सतीश अग्निहोत्री सतीश अग्निहोत्री बने हैं एम नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन हु इज़ द ओली इन टू बी द पार्ट ऑफ डब्ल्यू एच ओ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी दैट फ्रेम दैट रिपोर्ट ह्यूमन जेनोम एडिटिंग रिकमेंडेशन तो वो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी के हेड बनी है मनीषा एस इनामदार आपको बताना है डब्ल्यू एच ओ के हेड कौन है हु इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ डब्ल्यू एच ओ प्लीज राइटिंग कमेंट बॉक्स शेर बहादुर देवबा बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री तो किस देश के प्रधानमंत्री बने शेर बहादुर देवबा वो बने हैं नेपाल के तो इनसे पहले थे के पी शर्मा ओली के पी शर्मा ओली के हटने के बाद ये बने हैं नेपाल के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट कौन है नेपाल के विद्या देवी भंडारी हु आज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया संजय गुप्ता तो इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन के चेयरमैन बने हैं संजय गुप्ता और भारत में जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र हैं वो हैं रिलायंस जियो इंटरनेट के सबसे ज़्यादा सब्स कस्टमर यूज़र हैं इंटरनेट के हु बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एस सी एल टेक्नोलॉजीज़ एस सी एल जो आई टी कंपनी है एस सी एल उसके चेयरमैन न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं सी विजय कुमार आफ्टर शिव नाडर इससे पहले थे शिव नाडर एस सी एल के एम डी तो ये बने हैं सी विजय कुमार न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एस सी एल हु आज अपॉइंटेड एज अ सी ईओ ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम बी बी पी एस जो कि एन पी सी आई रेगुलेट करता है इसको इसकी सी ईओ बनी है नूपुर चतुर्वेदी तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम फॉर पेमेंट आई एम पी एस यू पी आई इस सब को रेगुलेट करता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम तो उसकी सी ई ओ बनी है नूपुर चतुर्वेदी हुआ अपॉइंटेड एज अ ट्वेंटी फिफ्थ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सी जी ए तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं दीपक दास ट्वेंटी फिफ्थ कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स है दीपक दास अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एल भारतीय जीवन बीमा निगम एल ऑफ इंडिया के न्यू एम कौन बनी है मिनी ई पी मिनी ई पी बनी है न्यू एम जबकि एल के चेयरमैन कौन है एम आर कुमार एम आर कुमार एल के चेयरमैन हैं और एम बनी है मिनी ई हु रिसली बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया धृति बैनर्जी तो ये पूछा जा सकता है ज़्यादा चांसेस है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर किसी uh, संस्था जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में so, इसकी फर्स्ट वुमन डायरेक्टर बनी है धृति बैनर्जी हुज़ अपॉइंटेड एज अम्बेसडर ऑफ आर बी आई अवेयरनेस कैंपेन ऑन डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स ये बनाया गया नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल विनर एट द टोक्यो ओलंपिक्स नीरज चोपड़ा को गया, बनाया Kerala, तो की की है, गया है आरबीआई ने बनाया अवेयरनेस कैंपेन फॉर डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स के लिए हु अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ एडवेंचर टूरिज्म इन केरला पी आर पीआर तो पी आर जो कि नेशनल हॉकी टीम के गोल कीपर हैं उन्हें बनाया गया है एम्बेसडर ऑफ एडवेंटेज टूरिज्म इन केरला तो जो भी ओलंपिक के गोल्ड सिल्वर मेडलिस्ट है या फिर पैरालंपिक के उन्हें जिस राज्य से वो बिलोंग करते हैं किसी न किसी चीज़ों में उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा बस वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए क्वेश्चन आपको क्लिक कर जाएगा एग्जाम में कि अगर उस स्टेट से कुछ रिलेटेड चीज़ पूछ रहा है तो वो ज़रूर पूछा जा सकता है नेम द पर्सन हु वाज री अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड तो बैंकिंग फाइनेंशियल फ्रॉड के एडवाइजरी बोर्ड पर किसे बन अपॉइंट किया गया तजेंद्र मोहन भसीन तजेंद्र मोहन भसीन को अपॉइंट किया गया संदीप बख्शी बस री अपॉइंटेड एज एम डी एंड सी ई ओ विच बैंक तो किस बैंक के एम डी सी ओ बने संदीप बख्शी वो बने हैं आई सी आई सी आई बैंक आई सी आई सी आई बैंक का है मुंबई में

जो आप डी इन सब को रेगुलेट करता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल उसके सी बने हैं नकुल चोपड़ा हु वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बी एस एफ बी एस एफ बने हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पंकज कुमार सिंह पंकज कुमार सिंह हु हुज़ अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ़ आई टी बी पी इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपी) के डायरेक्टर जनरल हैं संजय अरोड़ा एम्बेसडर ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट इन राजस्थान तो पारंपिक मेडल विनर है जो कि गोल्ड मेडल जीता था जिन्होंने पारालंपिक्स में राइफल शूटिंग में टेन मीटर एयर राइफल शूटिंग में और ब्रॉन्जे मेडल ही जीता था दूसरे कैटेगरी में पचास मीटर एयर राइफल तो दो कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीता था पैरालंपिक में गोल्ड और सिल्वर दोनों इन्होंने अपने नाम किया था अब्नि लेखरा जो कि राजस्थान की उन्हें बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान के लिए अबनी लेखरा हु हुआ अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एम बने सुमन शर्मा और सोलर कैपेसिटी के इंस्टॉलेशन में सबसे टॉप पे किया राजस्थान ये सेप्टेम्बर का ये रिपोर्ट है राजस्थान है स्टॉप अमंग अदर स्टेट इन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर एनर्जी विथ सेवन सेवन थ्री सेवन मेगावाट सेवन सेवन थ्री सेवन मेगावाट एज पर स्टेट वाइज रिपोर्ट रिलीज बाई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिनुएबल एनर्जी हु हुज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक हर्षा भूपेंद्र बंगारी तो जो भी ओवरसीज जो लोन सैक्शन करता है दूसरे कंट्री में प्रोजेक्ट्स के लिए किसी दूसरे सपोर्ट के लिए फंड के लिए वो एग्जिम बैंक ही सपोर्ट करता है रेगुलेट करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक तो उसके एमडी बने हर्ष भूपेंद्र हर्ष भूपेंद्र बंगारी हु वॉज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड एम ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड निर्लिप सिंह राय तो नेशनल चेयरमैन एंड एम ऑफ न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड निर्लिप सिंह राय हु वॉज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम राष्ट्रीय इस्पात निगम के नए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने अतुल भट्ट हु अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन बने हैं एम वेणुगोपाल हु अपॉइंटेड एज वन ऑफ द सेवेंटीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट्स बाय द यू एन टू फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग द राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन अराउंड द वर्ल्ड तो यू के लिए जो एस डी जी एडवोकेट्स के मेम्बर बनाए गए वो बने कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल प्राइज़ विजेता हैं इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था मलाला यूसुफ जई के साथ तो उस कैलाश सत्यार्थी अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज सभी को ऑर्गेनाइज हुआ था रिसेंटली उसका वीडियो भी रिसेंटली अपलोड हुआ है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं हु अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड अलका नांगिया अरोड़ा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और एमडी बनाई गई हैं हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आई ए जी सी मुर्मू ग्रिश चंद्र मुर्मू जो कि पहले एल थे जम्मू कश्मीर के लेह कारगिल के थे सॉरी तो आपको बताना है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का क्वार्टर कहाँ है तो ये था अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियाँ रिसेंट थ्री मंथ के जुलाई अगस्त सितंबर में जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं अपॉइंटमेंट्स उसका ये वीडियो था